हेलो एवरीवन, आज हम ये देखेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइस अंडर जीएसटी कैसे बनेगा। हम एनआर में भी देखेंगे, डॉलर में भी देखेंगे। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ एग्जांपल के साथ, जैसे एक्सपोर्ट मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस टैक्सेबल। मेरा एक्सपोर्ट इनवॉइस टैक्सेबल हो सकता है, यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल होगा रिस्पेक्टिव रेट के साथ। तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो होगा आपका IGST, या आपका INR में मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप डॉलर में जैसा मेंटेन करते रहेंगे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, उसके हिसाब से दिखाऊंगा। फिर दूसरा हो सकता है आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस एग्जेम्प्ट होगा अगेंस्ट LUT बॉन्ड, INR हो सकता है आपका, डॉलर हो सकता है। तो मैं ये दोनों एंट्रीज इंडियन रुपीज एंड डॉलर में करके दिखाऊंगा। हम लोग चलिए टैली में करके देखते हैं कैसे होगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाते हुए चलूंगा, साथ साथ में कैसे करना है। मैंने ये डेटा बनाया हुआ है, इस डेटा के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ लोकल परचेज कर रखा है, दैट इज स्टॉक मैंने परचेज कर रखा है विद CGST एंड SGST के साथ। अब मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं पहले INR में करके दिखाऊंगा एंड दैट इज अ टैक्सेबल दिखाता हूँ। मैं टैक्सेबल कैसे होगा, मेरा सेल 002, मेरी पार्टी है, दैट इज मैंने एक पार्टी लिया थॉमस एंड कंपनी डेटस, मैंने कंट्री सेलेक्ट किया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि आउट ऑफ इंडिया, इनका GST डिटेल नहीं होगा। सी यहाँ पे आपका सेल्स लेजर पूछता है, यानी कि आपका एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट सेल है। तो एक्सपोर्ट में भी दो तरह के सेल हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, एक्सपोर्ट आपका टैक्सेबल या फिर एक्सपोर्ट एग्जेम। तो मैंने बताया कि पहला एग्जाम्पल मैं एक्सपोर्ट टैक्सेबल देखूंगा, तो एक्सपोर्ट टैक्सेबल यानी कि मेरा जो लेजर होगा कुछ इस तरह से होगा, सेल्स एक्सपोर्ट एंड दैट इज ऑफ टैक्सेबल, ये अंडर सेल्स अकाउंट है, GST एप्लीकेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है सेट ऑल्टर GST डिटेल, प्लीज इसके अंदर हमें यस और नो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम ये गुड्स की तरह यूज करेंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया, गुड्स में इसको मैंने ट्रीट किया है। तो ये प्रोडक्ट है मैं सेल कर रहा हूँ, मैं INR में दिखा रहा हूँ, पहला 100 क्वान्टिटी वर्थ ₹5,000, और यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस लेजर भी होगा। मैंने प्रीवियस अपने बेसिक इनवॉइसिंग के अंदर मैंने बताया था कि एक्सपेंस कैसे ऐड करेंगे, बट एक्सपेंस ऐड करने के अलावा अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, डेफिनेटली अगर ये टैक्सेबल है तो यहाँ पे IGST लगेगा, यानी कि आपका IGST का लेजर होगा, IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स। तो देख सकते हैं कि 5 लाख पे ये टैक्स लग चुका है ₹9,000, दैट इज ₹90,000, और ये मैंने सेव कर लिया। तो ये एक आपने केस देखा जहाँ पे मैंने इसको INR में पास किया है। अगर यही जो टैक्सेबल सेल है अगर मैं इसको डॉलर में पास करूँ तो किस तरह से दिखेगा, सेल्स एक्सपोर्ट टैक्सेबल 100 क्वांटिटी, लेट अस से $100, मैं रेट डिफाइन करता हूँ, लेट अस से राउंड फिगर ले रहे हैं $50 per dollar। यहाँ पे टैक्स होगा आपका IGST, यानी कि IGST भी डॉलर में होगा 10,000 का 18%, यानी कि स्टॉक आइटम का 18% का रेट डिफाइन किया मैंने, तो ये 1800 आ रहा है जिसपे टैक्स रेट टोटल वैल्यू बनती है इनवॉइस की 5,90,000। सो अब रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में किस तरह से दिख रहा है आपका डिस्प्ले, स्टैचुअरी रिपोर्ट GST GSTR1। अगर आप GSTR1 में जाएं देखिए तो आपका इंटरस्टेट टैक्सेबल दैट इज एक्सपोर्ट टैक्सेबल की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर आप टेबल वाइज पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपोर्ट इनवॉइस वर्थ ₹10 लाख, जिसमें से आपका IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स बनता है ₹1,18,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू होती है ₹11,80,000। सो यस, कभी कभी ये एंट्री पास करने के टाइम पे हमें ये एरर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे एरर्स, तो एरर्स इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपने जो सेल्स लेजर मैंने बनाना बताया, ये सेल्स लेजर के अंदर जो मैंने ऑप्शन कहा था कि इसको यहाँ पे यस करके हमें कोई HSN कोड या फिर कुछ डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नो रखा था। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट अगेंस्ट LUT बॉन्ड, यानी कि अगर मैं सेल करूँ अगेंस्ट LUT बॉन्ड यानी कि एग्जेम्प्ट होगा। पहले INR में देखते हैं हम लोग, सेल्स एक्सपोर्ट टैक्सेबल एंड सेल्स एक्सपोर्ट मैं एग्जेम्प्ट लेता हूँ,
ये सेल्स जीएसटी, मैं वापस से यहाँ पे कुछ यस और नो नहीं करूँगा, गुड्स सेलेक्ट करूँगा, स्टॉक आइटम, पहले मैं आनर में दिखाता हूँ, 2000 रुपीज़। अब ये जैसा कि एग्जेम्प्टेड है तो प्लीज़ आपको यहाँ पे सेल्स एक्सपोर्ट, बिकॉज ये टैक्सेबल ट्रीट होगा बिकॉज हमने वहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो यहाँ पे F12 में जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसटी। तो इससे क्या होगा, जब आप सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि एक्चुअली आपका नेचर ऑफ सेल क्या, यानी कि अगर ये एक्सपोर्ट सेल्स अगेंस्ट बॉन्ड या फिर एग्जेम, तो प्लीज़ सेलेक्ट कीजिएगा एक्सपोर्ट अगेंस्ट योर बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट IGST नहीं आएगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं होगा, ये आपका इनवॉइस सेव हो गया। आप यहाँ पे अपना शिपिंग डिटेल एंड अदर डिटेल भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरराइड का ऑप्शन पूछता है, क्योंकि ये ओवरराइड का ऑप्शन इसलिए पूछेगा क्योंकि मैंने लेजर के अंदर कुछ भी कॉन्फिगर नहीं किया था यहाँ पे, और मैंने एंट्री के टाइम पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि क्लासिफिकेशन एक्सपोर्ट बॉन्ड है, तो मैं ये एंट्री सेव कर रहा हूँ। ओवरराइड करना, इसको ओवरराइड करने का ऑप्शन दिया, उसको यस करेंगे। ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ अभी डॉलर में, यानी कि थॉमस कंपनी एक्सपोर्ट एग्जेम, दैट इज एक्सपोर्ट अगेंस्ट LUT बॉन्ड, स्टॉक आइटम लेट अस से $100, सेम रेट लेता हूँ मैं। तो ये आपका ओवरराइड वापस आता है। सी अब ये ओवरराइड आता है, यानी कि आप प्लीज़ आप रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एरर रिपोर्ट में आके यहाँ पे खड़ा हो गया रहेगा, यानी कि लेजर कॉन्फिगर आपने जो किया था उसके अगेंस्ट था। तो यहाँ पे आप अंदर जाके उसे जस्ट एंट्री को रीएक्सेप्ट करना है, इस एंट्री को रीएक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपके यहाँ से रिपोर्ट एरर से निकल जाएगा और ये आपके रिपोर्ट में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, दो टैक्सेबल था, दो आपका एग्जेम्प्टेड है, यानी कि अगर आप GSTR 1 में जाके देखें यहाँ पे डिफॉल्ट टू में, तो दो तरह के देखेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट टैक्सेबल, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड अगेंस्ट LUT बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से हम एक्सपोर्ट की इनवॉइस पास करेंगे। ये एक्सपोर्ट का इनवॉइस है, मैंने डॉलर में INR में दोनों में करके दिखाया। प्लीज़ आप अदर वीडियोज़ भी देख लीजिए जहाँ पर और भी डिटेल्स मैंने शेयर की है। थैंक यू।